दोस्तों अभी मैं हूँ दुबई टर्मिनल 3 एयरपोर्ट पे, देख सकते हैं DXB टर्मिनल 3 है। और ये एयरपोर्ट के बाहर का कुछ इस तरह का व्यू है, बहुत ही खतरनाक ऑसम व्यू है दुबई, जो कि बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। यहाँ पे 3 टर्मिनल है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3। मैं फ़िलहाल अभी दुबई टर्मिनल 3 में हूँ, आप देख सकते हैं। टर्मिनल 3 में मेट्रो की भी सुविधा है, ये देखिए मेट्रो अभी गुजर रही है टर्मिनल 3 से। ये प्रमोद, वो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे व्यू काफ़ी, नज़ारा अच्छा भी है। फिलहाल मैं टर्मिनल 3 पे, आज मैं आपको पूरा ये ब्लॉग टर्मिनल 3 दुबई का होने वाला है। ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए अभी फ़िलहाल हम लोग जिस काम से आए हैं यहाँ पे, उस काम को पहले कर लेते हैं, फिर आप लोगों को पूरा ब्लॉग दिखाते हैं आगे का। वीडियो में बने रहें। सो गाइस, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ब्लॉग में बने रहें, एंजॉय कीजिए वीडियो को। अभी फिलहाल हम लोग दुबई टर्मिनल 3 पे हैं और आज होली भी है, तो आप सबको हैप्पी होली। आई होप कि आप लोग होली बिल्कुल मजे में एंजॉय कर रहे होंगे, मना रहे होंगे। ये देखते हैं, सो अभी फाइनली हम लोग एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए हैं। ये देख सकते हैं आप एयरपोर्ट के कुछ इंटीरियर इस तरह से, काफ़ी मतलब अच्छा नज़ारा, खूबसूरत है दिखने में। पूरा 2-2 मिनट में मेट्रो यहाँ से क्रॉस करती है यार। मौसम भी काफी अच्छा हो रखा है, ज्यादा धूप भी नहीं है, खिला खिला मौसम है, हवाएं भी बह रही है। और भाई लोग कैसे हैं आप लोग बताओ यार, काफ़ी दिन से मैंने वीडियो भी कोई ब्लॉगिंग नहीं किया। मैं सोचा है ब्लॉगिंग जो है अपना फाइनली एयरपोर्ट से शुरू होगा। बिहाइंड द सीन देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत है मौसम, वेदर भी हो रखा है। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ दुबई टर्मिनल 3 के अंदर और हम लोगों को अंदर का व्यू दिखाता हूँ। बाहर भी हाँ, बाद में भी, लेकिन थोड़ा सा एक साथ बोल भी तो कुछ अलग मजा। ये है कुछ इंटीरियर अंदर का नज़ारा। दोस्तों यहाँ पे जो है फ़्लाइट का चार्ट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आपका फ़्लाइट कौन सा है, कितना टाइमिंग में है, सारा डिटेल्स यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड में। DXB टू न्यू दिल्ली।
पूरा टाइम टेबल यहाँ पे आपको देख सकते हैं आप अपनी फ्लाइट का, यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है। और इसके जस्ट बगल में जो शॉपिंग एरिया भी है, आप शॉपिंग भी कर सकते हैं कुछ आपको चाहिए तो यहाँ पे। वैसे ज़्यादा है, बहुत ही एक्सपेंसिव मिलता है आपको पता है एयरपोर्ट में।